कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, दिन भर की थकान, धूल मिट्टी, अधूरी नींद जैसी वजहों से स्किन की हेल्थ बिगड़ने लगती है। इसके लिए आपको फेस वॉश से चेहरा धोना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हालांकि ज़्यादातर फेस वॉश में केमिकल होते हैं और यही आपकी स्किन को सूट नहीं करते। अगर आप भी फेस वॉश की जगह नेचुरल तरीक़ों से अपने चेहरे को साफ करना और रखना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन फेस वॉश लेके आई हूँ। इसे आप घर पे ही बना सकते हैं, बहुत ही आसान है बनाना। और इसे जब आप ट्राई करेंगे तो आप बहुत ही रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। और इसे जब आप ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा निखार भी आएगा। और ये फेस वॉश पूरी तरह से नेचुरल है और सभी स्किन वाले इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन मैंने बनाया है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल पे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये फेस वॉश आपको कैसा लगा है। फ्रेंड्स, नेचुरल फेस वॉश अगर आप यूज़ करते हैं आपके चेहरे पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता और आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छा निखार आ जाता है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। तो इसे बनाना है बहुत ही आसान और जो घर में है उसी से बनता है ये। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिया है, जो भी सामान लिया है घर पे ही बनाया हुआ है। और आपके पास अगर एक दो चीज़ ना हो तो मैं अलग अलग बताऊँगी, आप वो भी ले सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 चम्मच बेसन। बेसन हम सबके घर में होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी लेने के बाद आपको यहाँ पे लेना है 1 चम्मच चावल का आटा। फ्रेंड्स, चावल का आटा जो है आप घर पे ही बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इन तीनों को एक एक चम्मच ही लिया है। और इन तीनों को लेने के बाद आपको लेना है यहाँ पर 1/2 चम्मच चंदन पाउडर। अगर आपके पास चंदन पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह कपूर ले सकते हैं, उसको बारीक पीस लीजिएगा। और अगर आपके पास कपूर नहीं है तो आप तुलसी को सुखा करके उसका पेस्ट बना लीजिए, आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ गुलाब की पत्तियों का पेस्ट। जो मैंने गुलाब की पत्तियाँ थी उसको सुखा के उसका बारीक पेस्ट बना लिया है। वो आपके पास अगर नहीं है तो आप इसमें 2 बादाम पीस करके डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इन सबको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको एक साफ़ सुथरे कंटेनर के अंदर डाल लेना है। फ्रेंड्स, इसे आप अपने बाथरूम के अंदर रखिए और जब आप नहाने जाएं सुबह शाम आप एक बार इसका यूज़ कीजिए। सुबह अगर आप फेस वॉश से चेहरा धोती हैं, नेचुरल तरीका है, इसे लगाएंगे तो आपके चेहरे पर अगर पिम्पल्स है तो वो भी ठीक हो जाएंगे। और अगर आपके फेस के ऊपर झाइयाँ हैं तो बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगी। आप नेचुरल तरीके से फेस वॉश से अगर चेहरा धोएंगे तो आपके चेहरे के ऊपर बहुत अच्छा निखार आ जाता है। फ्रेंड्स, एक बार इसे ये लगाइए और एक बार आप अपने चेहरे को अगर फेस वॉश से धो रहे हैं तो उससे धो लीजिए। शाम को अगर इसे लगा रहे हैं तो सुबह आप अपने फेस को फेस वॉश से धो लीजिए। अगर शाम को आप फेस वॉश से चेहरे को धो रहे हैं तो सुबह इसका यूज़ कीजिए। एक टाइम इसे लगाइए। आपके चेहरे पर अगर आप चाहते हैं कि ग्लो आ जाए, आपका चेहरा जो है पिंपल्स दाग धब्बों से ठीक हो जाएं, तो इसका यूज़ आप ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छा फेस वॉश है, एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसे आप पानी के अंदर मिक्स करके अपने चेहरे पे लगा सकते हैं, आप चाहें तो रोज़ वाटर भी ले सकते हैं, बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, इसका यूज़ कैसे करना है वो बता देती हूँ। आप जब भी अपना चेहरा धोने जाएँ तो इसे थोड़ा सा अपने हाथ पर लेना है। इसके अंदर आप चाहें तो रोज़ वाटर मिक्स कर सकती हैं, आप चाहें तो पानी मिक्स कर सकती हैं। और इससे अपने चेहरे को आपको रोज़ धोना है। और आपको अगर फेस वॉश या साबुन सूट नहीं होता है तो आप इसे रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं। आपके चेहरे पे बहुत ही अच्छा निखार आ जाता है। और अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स हो रहे हैं, अगर आपके चेहरे पे एक्ने हैं, दाने हैं, झाइयाँ हैं, तो वो भी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तो इसका यूज़ रोज़ाना कीजिए। मैं तो कह रही हूँ अगर आपको फेस वॉश साबुन कुछ भी सूट नहीं होता तो इसे अपने बाथरूम में रख लीजिए, थोड़ा सा अपने हथेली पे लेके, और पानी रोज़ वाटर मैंने जैसे बताया आप मिक्स कर सकते हैं, अपने चेहरे पे लगाइए। और इसे आप 10-12 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, उसके अलावा फिर से बना लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।